आज ही सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स को और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए, और ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आयुर्वेद के माध्यम से हम डेंगू बुखार से अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल जो मौसम चेंज हुआ है उसका सीधा इफ़ेक्ट हमारी सेहत पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। दोस्तों, हर तरफ जो है डेंगू बुखार का कहर मचा हुआ है। जितने भी लोग डेंगू बुखार से परेशान हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ अगर आप मेरी बताई हुई टिप्स में से कोई भी टिप फॉलो करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। और जो लोग बिल्कुल डेंगू बुखार से अपना बचाव करना चाहते हैं वो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत यूज़फुल टिप्स बताने जा रही हूँ जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपको डेंगू बुखार कभी भी नहीं होगा। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डेंगू बुखार के लक्षण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, डेंगू होने पर बुखार आता है एकदम से तेज और शरीर में प्लेटलेट्स जो हैं वो कम होने लगती हैं, खून की कमी होने लगती है, और दोस्तों हमारा जो शरीर होता है वो टूटा टूटा रहता है। लाइक बॉडी पेन होती है, जॉइंट पेन है, हेडेक होना, बॉडी जो है बहुत ज़्यादा सुस्त रहती है, और साथ साथ हमारी स्किन भी ख़राब होने लगती है। दोस्तों, डेंगू का जो मच्छर होता है वो काटने से ही डेंगू फीवर होता है। ये कोई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाला किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, जो अगर एक व्यक्ति को है तो उससे दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगा। डेंगू बुखार होने का मेन रीज़न होता है कि जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो और उसे कोई और मच्छर काट ले आकर, तो उस मच्छर में भी डेंगू के मच्छर के वायरस चले जाते हैं, और ऐसे में अगर वही मच्छर किसी और व्यक्ति को काट लेता है तो वो भी वायरस से संक्रमित हो जाता है, जिससे डेंगू फैलता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या क्या आयुर्वेदिक घरेलू उपचार हैं जिनको फॉलो करके आप डेंगू बुखार से अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप डेंगू से अगर बचना चाहते हैं तो मेरी इन बताई हुई कोई भी टिप्स में से कोई भी एक दो फॉलो कीजिए, बेनिफिट होगा। पपीते के पत्तों को चबाकर आप खाइए दोस्तों, या फिर इन पत्तों का जूस बना लीजिए और जूस बनाकर पीजिए। पपीते के पत्ते बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं और बॉडी में प्लेटलेट्स को भी ये बढ़ाते हैं। नंबर टू, तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से भी डेंगू बुखार से बचाव होता है। तुलसी के पत्तों में थोड़ा सा पानी डालकर उसे अच्छे से बॉईल कीजिए, ठंडा करके छान लीजिए और फिर इसे एक बॉटल में डालकर रख लें। दिन में 3-4 बार थोड़ा थोड़ा करके इस काढ़े को पीजिए। इससे बुखार के बैक्टीरिया तो मरेंगे ही, बल्कि सर्दी खांसी जुकाम से भी आपका बचाव होगा। बॉडी में प्लेटलेट्स की जो मात्रा है वो बढ़ने लगेगी। दोस्तों, गिलोय जो है, गिलोय का इस्तेमाल करके डेंगू बुखार से बचाव किया जा सकता है। गिलोय की बेल की एक डंडी ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए। 2 गिलास पानी में इसे डालकर अच्छे से तब तक बॉईल कीजिए जब तक ये आधा ना रह जाए। बाद में इसे ठंडा करके थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पीजिए, प्लेटलेट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अनार या फिर अनार का जूस, दोनों ही डेंगू से हमें बचाते हैं दोस्तों, और हमारी बॉडी में खून की कमी को भी पूरा करते हैं। डेंगू के पेशेंट को अनार का जूस जरूर पीना चाहिए, इससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है। और जो लोग डेंगू से बचना चाहते हैं वो गिलोय को नॉर्मली ले सकते हैं दोस्तों, काढ़ा बनाकर थोड़ा बहुत ले लीजिए। अनार का जूस जरूर पीजिए, अनार खाइए, तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल कीजिए अपनी डाइट में, पपीते के पत्तों को लीजिए दोस्तों, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको फॉलो करके आप डेंगू से बचाव कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने घर पे या घर के आसपास गंदगी ना होने दीजिए, पानी इकट्ठा मत होने दीजिए दोस्तों, क्योंकि जहाँ पानी इकट्ठा होगा वहाँ पर डेंगू का मच्छर अटैक करेगा। और इसके साथ साथ आप जब सोने लगें रात को, सोने से पहले आप नारियल का तेल अपनी पूरी बाजू पर, अपनी लेग्स पर, अच्छे से फुल बॉडी पर लगा कर सोएं, इससे आपका डेंगू से बचाव होगा। फुल स्लीव कपड़े पहने दोस्तों, और बाहर का खाना अवॉइड कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इन टिप्स में से कोई भी टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर किसी की हेल्प हो सके। कोई भी इस इंफॉर्मेशन को फॉलो करे, उनका बेनिफिट होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आने पर लाइक के बटन पर हिट कीजिए, साथ साथ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरी वीडियो पसंद आने पर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर
फॉर वॉचिंग. स्टे हैप्पी एंड हेल्दी. बाय बाय.